उत्तराखंड के रैनी गांव में रविवार की सुबह भी प्रत्येक दिन की तरह शांत और सर्द सुबह थी। लगभग 10 बजे उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई दी। ऋषि गंगा में पानी का सैलाब और कीचड़ था जो काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। धर्म सिंह नाम के 50 वर्षीय एक ग्रामीण ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि हम यह समझ पाते कि क्या हो रहा था, उससे पहले ही ऋषि गंगा के कीचड़ वाले पानी ने सारी चीजें तबाह कर दी। इस नज़ारे ने लोगों को 2013 की केदारनाथ की भयावह बाढ़ की याद दिला दी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। रविवार को कई लोगों के इस सैलाब में बह जाने की आशंका है, उनमें नदी के आसपास काम कर रहे लोग भी शामिल थे। गांव के 3 बाशिंदे इस त्रासदी के बाद गायब हैं। इनमें 75 वर्षीय अमृता देवी भी हैं, जो ऋषि गंगा के पुल समीप अपने खेत में काम करने गई थी। अन्य वल्ली रानी के यशपाल हैं, जो मवेशी को चराने गए थे। रणजीत सिंह हैं, जो ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना में काम करते थे। नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने के बाद ये हिमस्खलन आया। इस हिमस्खलन से वह परियोजना भी नष्ट हो गई जो 2020 में शुरू की गई थी। मुख्य सीमा मार्ग पर एक बड़ा पुल भी बह गया। गोवान गांव के प्रदीप राणा ने बताया कि उसी गांव का संजय सिंह भी लापता है, जो अपनी बकरियां चराने गया था। ऋषि गंगा और धौली गंगा के संगम से 20 मीटर की ऊंचाई पर बने कुछ मंदिर भी बह गए। नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के कारण उत्तराखंड में आई आपदा के बाद धौली गंगा नदी का जलस्तर रविवार की रात को एक बार फिर बढ़ गया। इसके चलते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में घबराहट पैदा हो गई थी। रविवार रात करीब 8 बजे अचानक धौली गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के चलते अधिकारियों को एक परियोजना क्षेत्र में जारी राहत एवं बचाव कार्य को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। परियोजना के महाप्रबंधक ने कहा कि जल विद्युत परियोजना क्षेत्र की एक सुरंग में श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों समेत 30 से 35 लोगों को बचाने का अभियान सोमवार की सुबह फिर से शुरू होगा। देवभूमि उत्तराखंड में कुदरती आफत ने अपना कहर बरपाया है। ग्लेशियर टूट जाने के कारण चमोली में बड़ा नुकसान हुआ, जहां पानी के तेज बहाव में काफी कुछ बह गया। प्लांट से लेकर पुल और घर तक को इस हादसे में नुकसान हुआ है। अभी तक कुल 14 शव मिले हैं, जबकि 100 से अधिक लोग गायब बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर सेना तक अब रेस्क्यू में जुटी है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है।